अगली खबर में बात करते हैं उज्जैन की, जहां 2 अप्रैल गुड़ी पड़वा पर्व पर गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने उज्जैन आए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने राम घाट पर आम लोगों को संबोधित करते हुए शहर की होटलों के नाम अंग्रेजी में लिखे होने पर चिंता जाहिर करते हुए उज्जैन कलेक्टर को जल्द ही सभी होटलों के नाम हिंदी में करने के आदेश दिए थे। 4 महीने बीत जाने के बाद भी कई होटल के नाम अब तक ही हिंदी में नहीं किए गए हैं। अप्रैल माह में हुए गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जब सर्किट हाउस से शिप्रा नदी के राम घाट पर पहुंचे थे, तब उन्होंने भरे मंच से कहा था कि मैं अभी शिप्रा नदी की ओर आ रहा था। इस दौरान कई नई नई होटलों का निर्माण हो चुका है। शहर के अधिकतर होटलों के नाम इंग्लिश में लिखे हैं, इनको जल्द ही हिंदी में लिखना होगा। इस दौरान सीएम ने उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को आदेश दिया था कि जल्द ही होटल मालिकों की बैठक बुलाई जाए। कलेक्टर ने होटल मालिकों की बैठक कर सामंजस्य बैठाया और जल्द ही सभी ने भरोसा दिलाया कि शहर की होटलों के हिंदी नाम के साइन बोर्ड भी होटल पर लगेंगे। सीएम के आदेश के बाद भी कई बड़ी छोटी होटल के मालिकों ने अब तक अपने साइन बोर्ड हिंदी में नहीं लिखे हैं। इंदौर स्थित प्रेसिडेंट पार्क पैलेस होटल, एम्बेसी होटल, विक्रमादित्य होटल, शाही दरबार सहित कई होटल मालिकों ने अब तक अपने साइन बोर्ड को हिंदी में नहीं किया है। कार्यक्रम के दौरान मंच से सीएम ने अधिकारियों को कहा था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं, इंग्लिश में नाम लिखे होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभी होटल पर जल्द ही हिंदी में भी नाम लिखे होने चाहिए। महाकाल मंदिर में हजारों श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भस्म आरती के दर्शन हेतु रात अलग अलग होटलों में रुकते हैं। बीते एक दशक में मंदिर के सामने होटलों की बाढ़ सी आ गई है। यहाँ देखते ही देखते एक के बाद एक सैकड़ों होटलों का निर्माण हो चुका है। कई होटल तो 3-स्टार कैटेगरी की हैं। इनके अधिकतर के नाम इंग्लिश में लिखे हैं। संत अवधेशपुरी महाराज पहले ही महाकाल मंदिर विस्तारीकरण को लेकर हुए नव निर्माण के नाम हिंदी में रखने की मांग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था। हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे, ये हमारी रीवा के युवाओं से प्रार्थना है और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के आज़ादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। थाना प्रभारी सडेहा जिला पन्ना अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पंकज मिश्रा, रोजगार सहायक पंचायत भुलगवा। हाजी फैजान खान, डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश मंगल, प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा द्विवेदी, पत्नी किशन द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद, खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरू वर्मा जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भुलगवा जिला पन्ना की सरपंच श्रीमती शीला दहायत, सचिव वाल्मीक राठौर एवं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पंकज मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ममता शर्मा जिला पंचायत सदस्य, योजना समिति सदस्य, कांग्रेस जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भाटिया जिला पन्ना की सरपंच अनु वर्मा उर्फ अंजुम बानो एवं रोजगार सहायक शकील खान की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा एवं थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेश वासियों को अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त नागपंचमी रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।